संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई, 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 रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बहुत दिनों की बनी है, एक दो नाम है, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। क्या बदलाव आता है सत्संग से, कागा से तोहे हंस बनावे, 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 मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए
दिल के राग रे तेरी ऐसी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरा बेड़ा पार रे तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरा बेड़ा पार रे तेरी अच्छी बनेगी। हो सुतवित नारी तीन की आशा। 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 त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। वो त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिसा में बहुत दिन सोए। मोहनिसा में बहुत दिन सोए। मोहनिसा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। वो जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। वो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में। 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 लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। वो लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। तेरा बेड़ा पार तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। होय तेरा बेड़ा पार रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों का सहारा लेकर के भाऊ सागर के अनेक जीवों ने भाऊ पार कर लिया। आइए हम ही उन संतों की वाणी का आश्रय लेकर के श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा सुनाई गई कथा का आश्रय लेकर के हम भी भाऊ सागर से पार हो जाएं, ऐसा भगवान के चरणों में प्रार्थना करके और भागवत जी के पावन प्रसंगों में प्रवेश करते हैं। कल आप लोग ने श्रवण किया था, सुखदेव जी महाराज के सामने परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न पूछा। महाराज अथ पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं।
पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। जो मनुष्य सर्वथा म्रियमाण है, मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। म्रियमाण मनुष्य को अपने चित्त को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए और केवल भगवान का ही ध्यान करना चाहिए और संसार का ध्यान नहीं करना चाहिए। ऐसा बढ़िया उपाय बताया। उसके बाद में बताया, हे परीक्षित, नाना प्रकार के लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए विविध देवों की उपासना करते हैं। किसी को रूप चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को संपत्ति चाहिए, तो विविध प्रकार की चाहना रखने वाले अलग अलग देवों की उपासना करते हैं। लेकिन अगर आपको भक्ति चाहिए, अगर आपको परम पद चाहिए, तो केवल भगवान की भक्ति करें, वह भी करें निष्काम भक्ति। कैसी करें? निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति न करें, जिसमें कोई कामना लेकर के हम भगवान का भजन करें तो भगवान का अपमान होता है। देने वाले परमात्मा अपना आप देंगे आपको, बिना मांगे परमात्मा देते हैं। मांगिया मिले न भीख और अण मांगिया मोती मिले। मांगने से आपको पता होगा कि सोचते गेट सर्किल पे कई लोग मांगते हैं ना, उनको कैसे दुत्कार मिलती, मिलते कि नहीं मिलते। और अगर आपका भाव है तो आप विप्रबंधों को, ब्राह्मणों को, संतों को कुछ याचना नहीं करते तो भी उनको देते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो मांगने पर आधारित होते हैं और ये भगवान के ऊपर आधारित होने के कारण भगवान स्वतः ही उनका प्रबंध कर देते हैं। भगवान के ऊपर आधारित हो जाए, बाकी तो परमात्मा सबका भरण पोषण करते हैं। चीटी को कण पूर्वे हस्ती मण भर खाए, चीटी को चाहे कण भर चाहिए तो भी प्रबंध होता है और हाथी को मण भर चाहिए तो भी उसका भी प्रबंध भगवान करते हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए कि सबका पालन पोषण करते कि नहीं करते। तो एक चीटी को उठा करके और सोने की डिब्बी में बंद कर दिया। भगवान से पूछा, महाराज आपने सबका पोषण कर दिया? भगवान ने कहा हाँ। लक्ष्मी जी ने कहा, आज आप पकड़े गए हो, ढंग से देखो आप, कोई पीछे तो नहीं रहा? भगवान ने कहा कोई पीछे नहीं रहा, मैंने सबका पोषण कर दिया, सबके पेट में अन्न पहुंच गया। लक्ष्मी जी ने कहा, अब आपको बताती हूं। वो डिब्बी खोल करके भगवान के सामने की जिसमें चींटी बैठी थी। भगवान ने कहा, देवी मेरे सामने क्या करती है? तो आराम से बैठी बैठी पेट भर रही है। लक्ष्मी जी ने कहा, कहां से पेट भर रही है? एकदम खाली डिब्बी में मैंने उस चींटी को डाला था। भगवान ने कहा, तेरी तरफ करके तो देख। जो ही डिब्बी अपनी तरफ करके देखा तो उस डिब्बी के अंदर चावल का दाना पड़ा हुआ था। लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज ये चावल का दाना कहाँ से आ गया? भगवान ने कहा, जब तुमने ढक्कन दिया था ना तो तुम्हारे ललाट पर लगा हुआ चावल का दाना अंदर पड़ गया। चार बजे तक ओसा को फेर लियो नहीं तो फेंकता कहीं सुनो, मैं कहीं बोलू मन था ही नहीं पड़ा। ओहो, ठीक है। एक कुंटल कोई जाने कोई मत बाट रख दिया। बोली राम जी महाराज की जय। तो भाई भगवान ने कहा, देवी देख तो सही, अंदर दाना पड़ा है। बोले कैसे पड़ गया? कि तेरे ललाट का चावल था वो कभी गिरा तुझे पता ही नहीं चला, तूने देखा भी नहीं, क्योंकि तू मेरी परीक्षा लेने के लिए अड़ी थी ना, इसलिए तुझे क्या पता कि अंदर क्या पड़ा। तो भगवान सबके प्रबंध करते हैं। हाथी है वो अजगर है, कभी चाकरी नहीं करता। मलुकदास जी महाराज ने क्या कहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। अजगर चाकरी नहीं करता है, पंछी कहीं काम करने के लिए नहीं जाते हैं, पक्षी कहीं पे काम करने की मजदूरी करने थोड़ी जाते हैं, सबका पेट भगवान भरते हैं। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा, जब हम माँ की कोख में थे तब परमात्मा ने भी हमारे उदर की पूर्ति करी थी, तो हम काय की चिंता करते हैं बताओ। सबसे ज्यादा मानव को चिंता सताती, सबसे ज्यादा
और हमारे सिद्धियाल जी महाराज ने वाणी जी में फरमाया है, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जो जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। जिन्होंने हमें जन्म दिया है, चिंता उनको भेंट कर दो। आप इतने लोग बैठे हो, आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली चीज भगवान को भेंट कर दो। सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली कोई आदत है, कोई चिंता है, कुछ भी हो, वो भगवान को भेंट कर दो। भगवान के पास में तो एक ही है चीज, क्या? आनंद। क्या है? परमात्मा के पास में आनंद है। आप अपने सारे दुखों को परमात्मा को भेंट कर दो और परमात्मा से आनंद की प्राप्ति कर लो। कितना बढ़िया सौदा है। लेकिन हम लेते कहाँ है वो आनंद? हम तो इसी झगड़े में पड़े रहने में हमें अच्छा लगता है। एक राजा ने अपने पुत्र से कहा कि मैं जब मरूंगा ना, मरने के बाद में सूर बनूंगा, और वो जोनी बड़ी दुखदाई है भाई, मुझे मार देना उसमें, तुम्हारे हाथ से मर के मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। राजा जी मर गए, बेटा राजा बन गया जो राजकुमार था। बेटे को बाप की याद आई, बात याद आई, धनुष बाण लेकर के गया, जाकर के जहां पर जिस जगह पे पिताजी ने बताया था कि वहां मैं रहूंगा, जाकर के देखा सूअर, बड़ा मोटा ताजा सूअर था, उसको मारने के लिए जो बाण खेचा, वो मनुष्य आवाज में बोला, अरे अरे भाई मुझे मत मार। आपने ही तो कहा था कि मुझे मार देना। नहीं 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 नहीं, अब मुझे तो इतना बढ़िया लग रहा है, मुझे तो राज प्रसाद महल में भी जैसा अच्छा नहीं लग रहा था जैसा यहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा है। ये देख मेरी रानी है, वो रानी कौन थी? सुरणी थी वहां पर। मेरे 16 बच्चे हैं राजकुमार, और ये मेरी रानी, हाँ हाँ, मेरे तो प्रबंध की कोई कमी नहीं है। सूर योनि में भी अपनी मस्ती ढूंढता है वहां पर। प्राणी जिस योनि में चला जाएगा, जिस भी जोन में जाएगा, वहां पर वो सुख महसूस करने लगेगी। यद्यपि है नहीं वो सुख, लेकिन वो वहां पर अपने घर में बैठा बैठा सुख महसूस करेगा। ये स्वाभाविक वृत्ति है जीव की। जिस भी जोन में चला जाएगा, उस जोन में ये जीव उस तरह से। तो हम इस सबसे उत्तम योनि में आए हैं, सबसे उत्तम जोनी है ये मानव देह। कितनी बुद्धि चलती है हमारा, कितना विवेक चलता है। कोई व्यक्ति बोले उसमें से हम हाथों हाथ निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि कैसा बोलता है, क्या समझाता है, क्या नहीं करता है, इसके बोलने के पीछे क्या राज है, क्या नहीं है, कितनी हमारी सोच गहरी है। इन सारी बातों को हम अगर हमारे कल्याण में उपयोग लेना चालू कर दें तो कितना बढ़िया होगा। कितने कितने बड़े बड़े महापुरुष। अभी मैं कलकत्ता गया तो वहां पर हावड़ा में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का मंदिर देखा, वहां दर्शन किया, जो विवेकानंद जी के गुरु जी थे। बड़ा शांत वातावरण, और उसमें उसी स्थान पर बैठ करके विवेकानंद जी महाराज के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने वहां पर साधना करी थी। तो साधना जहां संत महात्माओं ने तपश्चर्या करी, उस स्थान में आज भी वो साधना का जो है प्रभाव व्याप्त है कि आप भी वहां पर बैठोगे तो आपका भी मन साधना में लगेगा। वहां पर बैठोगे, खेड़ापा में जाओगे, गुफा में बैठोगे, आज भी आप गुफा में बैठोगे तो आपको वहां पर भजन करने का, नाम लेने का, साधना करने का मन बनेगा। क्योंकि वो पहले से ही भगवान के प्यारे संतों के द्वारा साधना करके उस स्थान को बड़ा पवित्र किया गया। होली का मेला हो जाता ना, उसके बाद में हम वहां पर एक दो टोली रेत डलवाते हैं वापस। होली के मेले के बाद में गुफा में रेत, एक चिमटी पर भी रेत नहीं मिलती, सब लोग ले जाते हैं पॉलिथिन में डाल के, कोई कपड़े में बांध करके रेत ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं रेत पता है आपको? उसमें उस रज में महत्व बढ़ जाता है उस रज का, क्योंकि वहां महापुरुषों ने भजन किया था। खेड़ा बजाते रास्ते में कई जगह रेत आती है, वो तो नहीं लाते लोग, लेकिन उस रेत का कोई महत्व नहीं है। जिस रज कर्ण पे, जिस स्थान पर बैठ करके महापुरुषों ने तपश्चर्या करी है ना, वो स्थान महापुरुषों के भजन करने से पूर्व भी पवित्र था और अनंत युग बीत जाएंगे, लेकिन वो स्थान तो सदैव सदैव पवित्र रहेगा जहां पर महापुरुषों ने साधना करी। वहां पर वहां के अणु परमाणु बड़ी शांति को प्रदान करने वाले होते हैं। जब भी हमारा जीव भटके, जब भी हमारा मन भटके, या जब भी हम पतन की तरफ जाएं, हमें ऐसा प्रतीत होने लगे, अब अपनी आत्मा की शांति ढूंढने के लिए, आत्मा शांति की तरफ उन्नत हो ऐसा प्रयत्न करने के लिए, हमें संत महापुरुषों के स्थानों में जाकर के और वहां पर लोटपोट होना चाहिए, वहां के रज गुणों को लगाना चाहिए, संतों के चरणामृत का पान करना चाहिए। अभी तीर्थ में यात्री साथ में थे, तब मैंने उन यात्रियों को कहा कि आप बाहर आए हो,
सबसे बढ़िया प्रबंध तुमने क्या किया? तो बोले महाराज हम 15 तो ड्रेस लेकर के आए हैं और अचार पापड़ वगैरह साथ में लेके आए हैं, खाकरे भी लाए हैं कुछ, क्यों रस्ते में कहीं भोजन का प्रबंध लेट सेट हो तो बिस्किट लेकर के आए हैं ब्रिटानिया का, और कई सामग्रियां लेकर आए। मैंने कहा इतनी सारी सामग्रियां लाए हो तुम, साथ में चरणामृत लाए हो क्या? गए अगला आपस में मुंडा देगा, वो भी नो मुंडो देगा, वो भी नो मुंडो देगा, चरणामृत साथ लाखे हो गई। हमने महाराज चरणामृत तो साथ होने में दौड़ है सारे सब चीजें में, साथ थैला भर लिया 15 किलो का, 20 किलो का, 50 वाला। लोग तीर्थों में क्या जाते हैं साहब, तीन तीन चार चार सूटकेस भर भर के जाते हैं, जैसे कोई उनका उनका वो बोलते हैं ना नौकरी वालों की बदली होती है ना, ट्रांसफर होती है उनका, हो सकता है कि कहीं ट्रांसफर हो गया कहीं जगन्नाथपुरी बदली हो गई, मास्टर लगे हुए, इतने बड़े बड़े बैग भर भर के ले जाते हैं। तो मैंने तुम्हें कहा, उनको पूछा कि आप 40-40 किलो का बैग लाए हो, इसमें पूजा की सामग्री कितनी है बताओ, चरणामृत की स्थिति है क्या? बोले है ही नहीं मेरा, ऐसे ही जीम लेते हो पशुओं की तरह। इतने लोग बैठे हैं, कई माताओं बहनों का तो नियम होगा ही, लेकिन कई लोगों का कोई नियम नहीं है। भोजन करने से पहले याद रखो कान खोल करके, ये तो नियम हमारे जीवन में होना ही चाहिए, गंगा जल और गुरु चरणामृत का पान करने से पहले मुंह में दाना नहीं जाना चाहिए, ऐसा नियम हमारे जीवन में होना चाहिए। ताड़ियां बजाने वाला काले मारू कर दीजो। ये नियम होना चाहिए हमारे जिंदगी में। छटपटाहट जब पैदा होनी चाहिए कि हमने पाठ पूजा नहीं करी, आज हमने सुंदरकांड का पाठ नहीं किया, आज हमने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया, आज हमने करुणा सागर का पाठ नहीं किया, लोग इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, रोटी जरूरी है जिन्होंने भूख लगी, कलेवा नाश्ता करना जरूरी है, चाय पीना जरूरी है, बहुत चीजें जरूरी है, लेकिन चरणामृत नाम कीर्तन भजन यज्ञ ये महत्वपूर्ण नहीं है। और होना क्या चाहिए था, होने तो वो महत्वपूर्ण चाहिए होते, अग्निहोत्री ब्राह्मण होते थे पहले कोई नाम, आजकल तो नहीं, नाम जानते नहीं लोग अग्निहोत्री क्या होता है। पहले ब्राह्मण होते ना अग्निहोत्री होते थे, अग्निहोत्री माने प्रतिदिन अग्नि प्रज्वलित करके और उसमें आहुतियां दे करके और गायत्री मंत्र की आहुतियां दे करके 21 माला की आहुतियां देकर फिर भोजन करते थे, वो ब्राह्मण कौन कहलाए जाते थे, अग्निहोत्री। द्विवेदी किनको कहा जाता, जो दो वेदों को जानने वाले थे होते थे। त्रिवेदी कहा किनको कहा जाता था, तीन वेदों को जानने वाले। चतुर्वेदी कहा जाता था चार वेदों को जानने वाले। लेकिन अब नाम तो द्विवेदी है लेकिन चार वेदों का, दो वेदों का नाम ही याद नहीं। बोले साहब हम द्विवेदी जी है, द्विवेदी जी कौन कौन से वेद है ये तो पता नहीं है, हमारे मार का लगा हुआ है द्विवेदी का, चतुर्वेदी का हमारे मार का लगा हुआ है, ऐसे नहीं बनेगा। मैं तो सत्संग में एक बात बोलता हूँ कि आपके और कोई उपाधि लगे न लगे, लेकिन एक उपमा आपके साथ में लगनी चाहिए कि ये सत्संगी प्राणी है, संतों की सत्संग करता है, बस ये उपमा लगनी चाहिए आपको। आपके आगे सेठ लगे न लगे, आपके आगे श्री लगे न लगे, जी लगे न लगे, एक लग जाना चाहिए कि ये सत्संगी है, बस ये लग गया तो समझो आपके भगवान की प्राप्ति होने का मार्ग प्रशस्त हो गया, सत्संगी है। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदास जी महाराज की सत्संग में जाते लोग तो आपस में एक दूसरे का नाम नहीं जानते थे, देखते ही पहचान जाए ये सत्संगी है साहब। ज्यादा बूढ़ी माता होती तो बोलते बूढ़े ये पुराने सत्संगी है, बूढ़ी व्यक्ति होते तो बोले ये पुराने सत्संगी। आज भी गीता भवन में जाते हैं ना लोग, आपस में मिलते बोले ये पुराने सत्संगी है, नाम भले ही नहीं जाने लेकिन सबकी आपस में सत्संगी के रूप में पहचान होती थी। ऐसे ही वैकुंठ में भगवान के धाम में प्राणी आपस में हंस स्वरूप में महापुरुष जो है वो एक दूसरे को नाम के परिचय से नहीं जानते थे, ये भगवान के प्यारे हैं और हम भी भगवान के प्यारे हैं इस नाम से जाना जाता है। संसार में झगड़ा किस बात का है, एक दूसरे के मन की बात नहीं जानने के कारण झगड़ा है, एक से दूसरे के मन की बात नहीं जानते, तुम्हारे मन में पता नहीं क्या है, मेरे मन में पता नहीं क्या है, इसलिए हमारे आपस में झगड़ा होता है, एक दूसरे के मन की बात जानने के लिए झगड़ा होता है। और वैकुंठ में झगड़ा क्यों नहीं होता है पता है, वैकुंठ में सब पारदर्शी है, पारदर्शी ट्रांसप्लेटेड एकदम पारदर्शी, बस
उसके मन में क्या है वो भी साफ दिखता है, मेरे मन में क्या है वो भी साफ दिखता है। और वैकुंठ में वही जा पाता है जिसका मन निर्मल होता है, वही वास्तव में वैकुंठ में जा पाता है। मन की मलिनता वाला थोड़ी जा सकता है, जो अपने मन जीवन को पवित्र करता है वही वास्तव में वैकुंठ में बसता है। तो हम भी इस राधाम में बैठ करके इस पंडाल में भी हम वैकुंठ का अनुभव कर सकते हैं। पंडाल में रह करके भी हम भगवत शरणागति महसूस कर सकते हैं। जो भी कथा प्रसंग चलता हो हम भी ये भाव लेकर के बैठे कि मैं एक परीक्षित जी महाराज के पास में बैठा हूँ और मेरे सामने साक्षात सुखदेव जी महाराज कथा वाचन कर रहे हैं, ये भाव से हम बैठेंगे तो हमें उस कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, कथा के रस में डूब जाएंगे हम। और ये मान करके बैठेंगे हम तो गार्डन में बैठे हैं, हम तो घर परिवार के सामान्य शरीर लेकर के बैठे हैं, इसमें कथा में आनंद नहीं आएगा। कथा में आनंद जब भी आएगा कि हम कथा के प्रसंगों में उसी अनुरूप ढल जाए। नंद महोत्सव हो रहा है तो हम नंद महोत्सव में एक ग्वाला बन जाए, राम जन्म उत्सव हो रहा है तो अयोध्या में अयोध्यावासी बन जाए। जो कोई अवतार हो रहा है उस अवतार में हम अपना अपनी मन की उपस्थिति वहां पर प्रदान कर दें, और जहां आपके मन की उपस्थिति है वहीं आप वास्तव में वहीं पर विराजे, वहीं पर हो। मन आपका है तो वहां पर आप उपस्थित हो। मारवाड़ी में कान मन चंगा तो कठोते में गंगा, अगर आपका मन अच्छा है गंगा जी में खड़े होकर के भी मन मैला है तो आपने क्या नहाए। और अगर आपने घर में बाल्टी के लोटे को भर करके बोला हर हर गंगे, तो गंगा जी का जल वही बन जाएगा, एक सामान्य टूटी का पानी गंगा जी का जल बन जाएगा। अभी महाराज जी पधारे थे रामदेव सचार जी महाराज, उन्होंने फरमाया गंगे गंगे थी स्नान करते करते अगर हम गंगे गंगे का उच्चारण करें वो पानी भी गंगा जी के समान पवित्र हो जाता है। कितनी बड़ी सरल बात है, हरिद्वार बारह मासी जाने की जरूरत ही नहीं। अगर आप रोजाना स्नान करते बाल्टी का पानी कोड़ते कोड़ते गंगे गंगे बोलो, पहले तो स्नान घरों में से आवाज आती थी जब हरे गंगे गोमती, आजकल आती क्या? हाँ हती हती बताई तो झूठ मत बोल दो, पहले बोडिया नावता जाना लोटो कूड़ता ना गंगे हर गंगे गोमती का हगड़ी नदियां नाम लेता, आजकल आवे गई? आजकल तो हो भाई रे हिया खड़ा महाराज को गीजर लगा दो, हियाड़ा में गीजर हूँ गर्म पानी में नावता किने गंगा जी याद आवे भाई? सियाड़ा में गीजर लगा दो गंगा जी की नहीं याद आवे? सियाड़ा में ना घड़े हो तो खरियोड़ो पानी होता था बोडिया ने राम जी आप याद आता, और थाने सर्दी ने माने तो गर्म पानी और गर्मी ने माने ठंडो पानी मिले जाने किने राम जी याद आए तो, अवार गर्मी ने माने उकड़ तोड़ पानी लाल मेल दी हुए तो कोई जन राम जी याद आएगा। तो जिस युक्ति से राम जी हमें मिलते हैं उन युक्तियों को तो हमने दूर कर दिया, उन युक्तियों से तो बच गए हम। संत जन भजन करते थे, हम लोग भजन करते नहीं है, भजन का अभाव है हमारे जीवन में। और हमारे पूर्वज भजन करते थे कपड़े की टाट पहन करके, बोरी की टाट होती ना, बैठते थे तो गंदे पर, गंदा समझते हो ना, आजकल गंदा बहुत कम मिलता है, ऊंट के बाल से बनता है गंदा, बाड़मेर में ज्यादा होता है गंदो कह रहे हैं गंदो, ऊंट के बाल से बनता उसके ऊपर बैठते थे। आप बैठो ना दो मिनट में आपके गिरियों में जलन पैदा हो जाए बैठे बैठे, ऐसे 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 पे बैठ करके संत भजन करते थे। मृग की छाल पर बैठ करके भजन करते, सिंह की छाल पर बैठ करके भजन करते थे, कंकर पत्थर में बैठ करके भजन कर जाते, पत्थर पर बैठ करके भजन कर जाते। अब मार तो शानदार गिदरो लगाड़ो है नार मिसल लगाड़ी, क्यों राम जी याद आ गए? चुप तो रहे नहीं जन राम जी याद हो रहा है, जलन होती रही जन राम जी याद हो रहा है, अब हो रही मैं राम जी का तो याद आओ बताओ। राम जी तो कष्ट में ज्यादा याद आएंगे ना, वो उपाय संतों ने किया। श्री रामदास जी महाराज जब भजन करते थे मैलाना गांव में तब भजन की स्थिति में नींद ज्यादा आती थी, महाराज ने क्या किया, गमछा था उस गमछे को गले में बांध दिया और गूंदी के डाली के बांध दिया और एकदम ऐसी खड़ी कमर करके बैठ गए। अब वो गमछा गले के बांधा और गूंदी के बांधा और नींद आएगी जहर आएगी तो क्या होगा, टूपो लगे नींद भग जाई, गलपट बंद उर्द बंदवाई टूपो लगे नींद भग जाई, जो ही टूपा लगता है नींद भग जाती। कई कई संतों ने चोटी बांध बांध के कड़े में भजन किया है, कई ने खड़े होके भजन किया है, कई तो नाड़ी की पाड़ के ऊपर बहुत बड़ा डाली डाली होती थी बहुत बड़ी डाल,
उसके ऊपर तने के डाल के ऊपर बैठ करके भजन करते, नींद आती है सीधे पड़ते नाडी के अंदर, फिर नींद जगती नाडी से उठ करके आते फिर